बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पुलाव, जिसके लिए लिया है मैंने ये बीफ लिया है, और ये मैंने लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, और ये इलायची है, और साथ में ज़ीरा है। तो इसको मैं बनाती हूँ यखनी, जिसके लिए मैं इसको डालूँगी कुकर में। बिस्मिल्लाह, मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल, जिसके लिए लूँगी मैं 4 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने लिए हैं 5 गिलास पानी। इसी में डालूँगी मैं ये गरम मसाला, इसमें डालूँगी मैं ये प्याज लहसुन, इसी में डालूँगी ये मैं प्याज, इसी में डाल रही हूँ मैं एक टमाटर, इसी में अब मैं एक डालूँगी 1 चम्मच नमक की। इसको दूंगी मैं कम से कम 15 मिनट प्रेशर, 15 से 20 मिनट। तो चूल्हा करते हुए ऑन, इसको दे रही हूँ मैं प्रेशर। तो दोस्तों यखनी हमारी होगी तैयार। तो दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ ये पुलाव, ये मैंने ऑयल लिया, इसमें डाला है मैंने प्याज, अब इसमें डालूंगी मैं इलायची है और दालचीनी है, इसको करूंगी मैं ब्राउन। आप देख सकते हैं यखनी हमारी रेडी हो गई है, पर मैं इसको गोश्त इसमें निकाल के बोन लूंगी, फिर मैं पानी की पानी डाल के फिर दोबारा डालूंगी इसमें। आप देख सकते हैं प्याज मेरा तकरीबन ब्राउन हो गया है। इसमें डालूंगी मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने हरी मिर्च है, जीरा पाउडर है, इसमें मैंने ये 3 मिर्च रखी है मैंने काट के, ये मैं डालती हूँ। इसमें करूँगी थोड़ा सा मैं पानी आए, मजे का पुलाव। इसी में डालूंगी मैं ये टमाटर, मैंने ये काट के रखा हुआ, ये बनी है हमारी 3 गिलास जखनी बची है हमारी, 1 गिलास में और पानी का डालूंगी। इसमें डालूंगी मैं जो मैंने ये गोश्त दिया निकाल के रखा हुआ, ये बीफ पुलाव इसमें जनरली भी है, इसको मैं अच्छी तरह भून लूंगी। इसमें डालूंगी मैं ये तेजपत्ता, आप देख सकते हैं। इसी में डालूंगी मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च, हमारी गोश्त की अच्छी तरह बनाई होगी। अब मैं इसमें डालूंगी यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
मेरे पास गेस्ट आ गए थे इसलिए मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट ज़्यादा ही प्रेशर आ गया और यखनी भी खाने लगी। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी चावल। बिस्मिल्लाह, 2 ग्लास मैंने चावल लिए थे। आप देख सकते हैं पानी हमारा खुश्क होने वाला है, फिर मैं इसको लगाऊंगी दम पे रखूंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब मैं उसके ऊपर डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाले की। चूल्हा करती हूँ मैं स्लो, इसको लगाऊंगी मैं दम पे। अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो गए हमारे, चूल्हा करती हूँ मैं बंद। इसका मैं उठाती हूँ ढक्कन। बिस्मिल्लाह, मैं हलाती हूँ चावलों को। बिस्मिल्लाह, तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं हमारा बीफ पुलाव हो गया तैयार। बहुत ही मजे का बीफ पुलाव बना है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल खदीजा किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।